जैसा कि हम अभी कुछ कपड़े दान करने जा रहे हैं तो कुछ भला कर लेते हैं। यहाँ क्या आपके हाथ में है? तो हाथ में कुछ कपड़े हैं कुछ दान करने के लिए, तो दुबई में आया तो थोड़ा दान पूर्ण करना चाहिए। जगमोहन भाई देखिए बारात के लिए तैयार हो चुके हैं। देखो घर वाले कपड़े नहीं दिला रहे थे तो हमने अपने सारे कपड़े दान करने का निर्णय लिया है। घर वाले कपड़े नहीं दिलाएंगे तो क्या करें, ऐसे ही भूखे नहीं बसने हुआ। तो अभी जा रहे हैं हमारे भाई देखिए बच्चों को 50-50 रुपये भी देंगे। बहुत ही उद्धार करते हैं हम लोग, अपना खुद का नहीं हो पा रहा है अलग बात है। तो गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे मशीन की तलाश जारी है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे रास्ते के मामले में, तो भाई ने हमें गाइड किया कि इधर नहीं इधर को चलना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 मशीनें थी तो हम भूल चुके थे, और अभी हम चल रहे हैं मेन सड़क की तरफ। आपके भी कोई अच्छे अच्छे कपड़े हैं तो दान जरूर कीजिएगा, पुराने कपड़े डालने की जरूरत नहीं है। तो लगभग हम मशीन से 10 कदम पीछे हैं, आप काउंट कीजिएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पहुंच चुके हैं भाई जी। देखिए तो साफ साफ लिखे हैं भाई जी, पहले निरीक्षण करते हुए मशीन चल रहा है नहीं चल रहा है। आप देखिए भाई साहब दान देते हुए भाई जी हमारे दान पुड़े। अब बताइए भाई जी के बारे में बताइए। भाई जी बहुत है, और देखिए भाई जी किस तरह से एक एक कपड़ा नहीं अच्छे से डाले। दान करते हैं, मानना यही कि एक दिन जो कपड़े पहनते दोबारा नहीं पहनते, तो इनका हर दिन दान करने का। तो देखिए भाई जी बहुत अच्छी चीज है कि सावन में दान करना चाहिए, और बिल्कुल अच्छा एक कपड़ा दिखाइए आप, बिल्कुल साफ क्लीन कपड़ा दिखाइए। सावन चलना पहले बताओ। देखिए हर कोई कपड़ा क्लीन है, ये बस यही क्लीन है मैं जो दिखा रहा हूँ। ओके नहीं नहीं वो दो रखे थे वॉशिंग मशीन में और डाले हैं, और इसी के साथ में जय श्री नारायण। ये नहीं डालेंगे, ये बहुत सारे कपड़े। ओके हम सब्जी लेके आएंगे। थैंक यू, इस पे सब्जी शुक्रिया आप महानुभावों का, आप दानी लोगों का।